नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुशील सिंह और आप देख रहे हैं यात्रा द ट्रिप। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की तो बहुत सारी कहानियां आपने सुनी ही होंगी। ठीक उसी तरीके से भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों की भी बहुत सारी कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी है भक्त मछुआ पांडा की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में प्रभु जी से। के भक्त कुछ कारणवशतः कुछ परिस्थिति में आकर के कुछ गलत चीजें कर देता है, उससे वो करना नहीं चाहता है, कुछ मजबूरी होकर के वो कर लेता है। क्या करें, तो भगवान ऐसा नहीं कि उनको त्याग देते हैं। बहुत गीता में भगवान बोलते हैं, अपिचेत सुदुराचार भजन्ते वानन्य भा, खाली बोलते नहीं है भगवान। एक जगन्नाथपुरी में एक पंडा था। क्या उनका एक पंडा था और भगवान के सेवा पूजा वो एकदम अच्छे ढंग से करता था, बड़े भक्त था, बड़े भजन स्वभाव का भी था। और उसका शादी हुआ और नया नया पत्नी था, और जो पत्नी है गर्भवती हुई, तो हर पति पत्नी के प्रेम में है। पत्नी जो बोले पति को वो करना पड़ता है। तो उसकी जो पत्नी थी, पंडा तो बड़े भक्त था, भगवान के सेवा पूजा में लगा था, जो पत्नी थी उनकी वो गर्भवती हुई। उनको कोई बोला चुन्ना माछ खाना है, ओडिशा में एक मछली है चुन्ना मछली, आप वो मछली खाओगे तो आपके शरीर में विटामिन होगी और वो अच्छा है। गर्भवती की अवस्था में वो बहुत जरूरी है, आपको वो खाना ही चाहिए, चुना मछली और इलिशी मछली। तो उसके अंदर वो बाहर आजू बाजू से सुनी, सुनने के नाते उसके अंदर लालसा पैदा हो गई उसके पत्नी के। अभी वो तो भजन पूजन करने वाले घर है, बताओ मछली कहाँ से आएगा वो घर में। बट इसके अंदर एक लालसा पैदा होगी कि मुझे मछली खाना है, मैं गर्भवती हूँ। तो पंडा को हमेशा आकर के बोलना शुरू किया, हे नाथ मेरे लिए मछली लाओ। तो पंडा उन्होंने बोला, देखो हम लोग पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, हम आपको मैं कैसे आपको मछली दे सकता हूँ, हम थोड़ी ना खा रहे हैं हमेशा, अभी मैं गर्भवती अवस्था में हूँ, इसके लिए इस चीज का आवश्यकता है, हे नाथ मेरे लिए ला लो। बहुत बाध्य करने पर बेचारा पंडा विवश हो गया और मंदिर का काम कार्य सब खत्म किया। क्या करे, पत्नी हमेशा सता रही है, बोल रही है पत्नी के लिए, पत्नी का प्रसन्नता के लिए मजबूरी होकर के और मार्केट में गया, दो बड़ा बड़ा इलिशी मछली, इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा है, उड़ीसा में बड़े फेमस है वो मछली क्षेत्र है, वो लाया। ला करके वो ला रहा था उस समय में, खरीदा, खरीद के लाया। उस समय में राजा का एक जो सैनिक है वो देख लिया। क्या देख लिया, मछली पकड़ करके पंडा लेके जा रहा है, उसको देखा। तुरंत वो जा करके उस समय जो गजपति थे उनको जाके बोल दिया, महाराज महाराज मणिमा मणिमा, उड़ीसा में मणिमा बोलते हैं, राजा को मणिमा बोलते हैं, बड़े व्यक्ति को मणिमा बोलते हैं, हे मणिमा मणिमा, हद हो गई ना, क्या हो गया ना, आप जो पुजारी रखे हैं अल्टर में, जो जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, जो भगवान स्वयं विष्णु है, स्वयं कृष्ण है, उनके सेवा किसी प्रकार होना चाहिए,
है, एक मच्छी मटन खाने वाला व्यक्ति उनके सेवा कर रहा है। किसे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होगी बताओ मणिमा, क्या हो गया, कैसा क्या बोल रहे हो ना। बात ऐसे ऐसा है, आपके जो पंडा है वो मछली खरीद के लेके जा रहा था, मैंने देखा मणिमा। तो राजन ने कहा, अरे ऐसे कैसे तुम बोल सकता है, हाँ तुम्हारे इतना दुस्साहस कैसे आ गया है, कैसे आप बोल सकते हो, और मछली खरीद दिया लेके गया करके, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। पर उन्होंने बोला, नहीं मणिमा ये सच है। राजन ने कहा, तुम्हारी वचन सच है तो मैं तुमको पुरस्कृत करूंगा, तुम्हारे वचन जो सच नहीं है तो तुमको क्या करूंगा, मैं आपका सर जो है वो काट दूंगा। उसका वचन जो सच है, वो जो चीज किया है, जो गलती कृत्य है, उसका जो सच कृत्य है, तो उसको दंडित हम करेंगे, सेवा पूजा में निकालेंगे उसको, जो भी है दंड विधि के साथ उसको करेंगे। तो इसी क्षण ही सन्नी को उन्होंने आदेश दिया, उस समय में जो गजपति थे, आदेश दे करके तुरंत ही उसको बंदी बनाया जाए। अरे बंदी बनाया गया, बंदी बना करके उसको जो राज क्या बोलते हैं राजसभा में बुलाया गया, राजसभा में बुला करके उसको पूछा गया, गजपति ने पूछे, आप कुशल है, आपके परिवार कुशल है, आप ठीक है। हंस करके मुस्कुरा करके पंडा ने बोला, हाँ अभी मालूम है उनको मछली पकड़ा है, बड़ा बड़ा दो मछली है ना, नहीं अभी कैसे क्या करेगा। मन 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 में अंदर अंदर, हे जगन्नाथ स्वामी ना इन पथगामी भव तुम्हें, हे प्रभु क्या करे, मेरे से तो गलती हो गया, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, इस चीज को आपको जो दंड देना है मुझे दे दो। किंतु ये राजा के द्वारा इतना सभा के अंदर है, मैं आपके अंदर इतना सेवा पूजा आपका किया हूँ, मेरे को आप बस छुपा दो इस चीज, मेरे को आपको जो देना है दंड देना है तो दंड दो मुझे, आप दो मुझे दंड, गलती तो मेरे से हुआ है ना, दंड दीजिए मुझे, आप दीजिए। क्योंकि राजसभा महल में पंडा जाति का मेरा अपमान मत करिए, इस तरह प्रार्थना मन मन में उन्होंने किया। कौन किया, पंडा ने। तो जैसे राजा का सैनिक ठेली लिए और ठेली को खोला गया, जो मछली को निकाला गया तो मछली नहीं था, वो क्या क्या था, चंदन का बड़े बड़े दो टुकड़ा निकला, वो मछली नहीं निकला, क्या निकला, चंदन का बड़े बड़े दो टुकड़ा निकला। बोलो जगन्नाथ स्वामी की देखो क्या चमत्कार हो गया, देखो खाली ऐसे बोलते नहीं, अपिचेत सुदुराचार भजन ते धन्यवाद साधु रे वो समन्तव्य समय व्यवस्थित, ऐसे ऐसे ही नहीं, ये सच बात है, अनजाने में बीच का गलती होते है, ताम उनके अंदर दोष नहीं दिखना चाहिए। आप सुन ले, तो ऐसे हुआ, चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार तो हो गया, चंदन तो निकल गया, अभी क्या है, जो पंडा है एकदम गदगद हो गया, भगवान को एकदम अंदर से प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे लिए प्रभु आप मछली को चंदन बना दिए, बट इधर उधर दूसरा साइड में क्या हो गया, जो सैनिक जो कंप्लेन किया था वो एकदम पसीना उसका निकल रहा है, तुरंत ही राजा आके दे दिया, इसका क्या किया जाए, सर काटा दिया जाए। बड़े उस समय में जो पंडित थे, इस तरह आदेश हुआ, फुट फुट के रोए, जा करके उन्होंने कहा, क्या कहा, हे राजन वास्तव में वो जो सैनिक है झूठ नहीं बोला था, वो सच बोला था, मैं मेरे स्त्री के लिए जुहा जुहा के लालस से, मेरे स्त्री के जुहा का लालस को तृप्ति करने के लिए मैंने मछली लेके गया था, भगवान तो इसको चंदन बना दिए, मुझे प्रे किया, मेरे से खराब व्यक्ति कौन हो सकता है, हे राजन उनको दंडित ना करे, उनको दंडित करेंगे मेरे को कहाँ जगह मिलेगा, नहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसे उन्होंने बोलना शुरू किया। भगवान के तो भक्त मत्सलता है मेरे ऊपर, मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर कृपा किए, नहीं तो मेरा क्या है। इस तरह की प्रार्थना उन्होंने जैसे राजन को किए, तो राजा ने उनको दंड देना बंद किया, और तुरंत ही राजा भी गया, सैनिक भी गए,
वो दोनों ही जाकर जी पंडित के चरण कमल में प्रणाम किए। लाभ जैसे भक्तो ना, भक्तराज कौन हो सकता है जिसके लिए आप भगवान इतना आपको हेल्प किए। तो ये कथा में हमको सीखने को क्या मिलता है, भगवान पंडित लोग को कितना प्रेम करते हैं, पंडित लोग को बहुत प्रेम करते हैं भगवान को। वो जो पंडा है आज भी जगन्नाथपुरी में एक जाति है, उनका मछुआ पंडा करके नाम से जाना जाते हैं। तो अभी भी आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे किसको पूछेंगे, बहुत कम है बट है मछुआ पंडा। तब से वो पंडा का नाम हो गया मछुआ पंडा। अभी भी जगन्नाथपुरी में है, आप देख सकते हो स्टोरी। खाली ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्टोरी जो है सच है, ये पूरा पूरी में फेमस है। हरे कृष्ण। शंभु ब्रह्म